गाइस वेलकम टू द पाकिस्तानी ब्रोज रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर दो, साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो मेरा नाम वजाहत है, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस आज की तो काफी जबरदस्त होने लगी है। तो आज की जो वीडियो का टाइटल है वो है फ्यूचर टॉप 10 कंट्रीज प्रोजेक्टेड जीडीपी रैंकिंग 2050। मतलब 2050 की रैंकिंग है, मतलब फ्यूचर टॉप 10 जो कंट्रीज होंगी जो मतलब सबसे जीडीपी रैंकिंग के लिहाज से होंगी। तो देखते हैं इंडिया कौन से नंबर पे, पाकिस्तान कौन से नंबर, पाकिस्तान आएगा यार 10 में, देखते हैं यार वीडियो के बाद। मुझे नहीं लगता है, मतलब वीडियो देखने के बाद पता लगेगा। तो नॉलेज टीवी का वीडियो ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंट करते हैं 3-1 एंड स्टार्ट। दुनिया की पावर सेंटर सब चेंज हो रहे हैं, दुनिया की आर्थिक और सामरिक ताकत अब पूर्व की ओर बढ़ रही है। दुनिया की सबसे बड़ी और रिलायबल अकाउंटिंग फर्म प्राइस वाटर्स हाउस कूपर्स ने प्रेडिक्शन किया है, भविष्यवाणी की है कि सन 2050 तक दुनिया के पावर सेंटर्स वेस्ट से ईस्ट की ओर आ सकते हैं। और ये शिफ्ट ऑफ पावर ताकत का पूर्व की ओर ध्रुवीकरण बेहद अलग रास्ते पर ले जा सकता है पूरी मानवता को। बने रहिए इस बेहद रोचक वीडियो के अंत तक अगर आप जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता का कितना बड़ा योगदान हो सकता है भारत को इस पावर सेंटर के केंद्र में स्थापित करने में। ये लिस्ट प्राइस वाटर्स हाउस कूपर्स ने जारी की। इस लिस्ट में उन 10 देशों के नाम हैं और उनकी जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसके आधार पर तय होता है कि कौन सा देश कितना शक्तिशाली होगा आर्थिक दृष्टिकोण से। और स्वाभाविक है कि आर्थिक शक्ति के साथ सामरिक ताकत भी बढ़ ही जाती है। लेकिन प्राइस वाटर्स हाउस कूपर्स द्वारा जारी की गई 2050 के सबसे धनी और शक्तिशाली देशों के बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं अभी क्या है वैश्विक परिस्थितियां, अभी कौन से देश किस पायदान पर है आर्थिक दृष्टिकोण से। अभी नंबर 10 पर है कनाडा, नंबर 9 पर है ब्राजील, नंबर 8 पर है इटली, नंबर 7 पर है फ्रांस, नंबर 6 पर है इंडिया, नंबर 5 पर है यूके, नंबर 4 पर है जर्मनी, नंबर 3 पर है जापान, नंबर 2 पर है चाइना, नंबर 1 पर है अमेरिका यूएस। और अब देखते हैं कैसे दुनिया की आर्थिक सत्ता पलटने वाली है 2050 तक। सीट, गद्दा, बेंच, पलंग, जिस पर भी बैठे हैं आप कस के पकड़ लीजिए क्योंकि लगने वाला है आपको जबरदस्त झटका। नंबर 10 यूनाइटेड किंगडम, 5.369 trillion US dollar। सैकड़ों साल तक दुनिया पर राज करने वाले अंग्रेज सन 2050 तक अपनी आर्थिक शक्ति खोकर 10वें पायदान पर पड़े मिलेंगे। यहीं से आप समझ सकते हैं कि किस तरह वेस्टर्न पावर से शक्ति का विकेंद्रीकरण शुरू होगा। यूनाइटेड किंगडम की जीडीपी 2050 तक केवल 5.369 trillion US dollar तक सिमट जाएगी। इसके पीछे कारण यूनाइटेड किंगडम का यूरोप से अलग होना भी हो सकता है। नंबर 9 जर्मनी, 6.8 trillion US dollar। जर्मनी लगभग 2 सदियों से दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं में से एक रही है। 2007 में चीन से पिछड़ने के पहले जर्मनी लगभग 3 दशकों तक दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर इकोनॉमी रही। जर्मनी के लोगों ने त्रासदियां तो बहुत देखी लेकिन उनके बेहतरीन व्यापार कौशल ने उन्हें हमेशा दुनिया की चुनिंदा इकोनॉमी में स्थान दिया। जर्मनी आज भी अपने एक्सपोर्ट के बल पर खड़ा है और लगातार अपने एक्सपोर्ट और निर्यात पर ही काम कर रहा है। नंबर 8 जापान, 6.779 trillion US dollar जीडीपी। जापान दशकों तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी लेकिन उसे चीन की इकोनॉमी ने 2010 में पीछे धकेल दिया। जापान टेक्नोलॉजी पसंद देश है और आगे भी अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से दुनिया के 10 सबसे ताकतवर इकोनॉमीज वाले देश की सूची में रहेगा एटलीस्ट 22वीं सदी की शुरुआत तक। अनुमान लगाया जा रहा है कि जापान की जीडीपी 2050 तक 6.779 trillion US dollars की हो जाएगी। नंबर 7 मेक्सिको, 6.863 trillion जीडीपी। झटका तो लगा होगा ये नाम सुनके लगा है। हाँ, अगर जानकारी नहीं होगी तो शायद ना भी लगे। मेक्सिको वही देश है जिस पर अमेरिका ने दबा के पाबंदियां लगाई हुई है। वही देश है मेक्सिको जहाँ के लोग इल्लीगली अमेरिका जाकर बसने के सपने देखते हैं। और हालिया ट्रंप सरकार ने तो बड़ा निर्दयी खेल खेला है प्रवासी मेक्सिकन नागरिकों और मेक्सिकन शरणार्थियों के साथ। खबरें देखी होंगी तो समझेंगे आप। खैर, जितना चाहे अमेरिका धुतकारे इस कंपैरेटिवली गरीब देश मेक्सिको को, लेकिन मैन पावर और कुछ जरूरी रिसोर्सेज के लिए अमेरिका को आज भी मेक्सिको की ओर रुख करना पड़ता है। नतीजतन चाहे अनचाहे अमेरिका
मेक्सिको को ताकतवर इकोनॉमी बना रहा है और 2050 तक मेक्सिको 6.863 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की जीडीपी के साथ गर्व से दुनिया की सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। नंबर 6 रूस 7.131 ट्रिलियन यूएस डॉलर जीडीपी। अभी तो 10 में भी रूस दुनिया भर में हो रही उथल-पुथल के बीच अपनी पोजीशन कायम करने में सफल रहेगा। आज भी छठवें नंबर पर है और 2050 में भी छठवें पायदान पर रहेगा। कारण ईस्टर्न कंट्रीज यानी कि पूर्वी देशों के साथ अच्छे संबंध। चीन लीजिए या भारत, रूस के संबंध सभी से अच्छे हैं। 2050 में जब विश्व की अर्थव्यवस्था की शक्ति का विकेंद्रीकरण पश्चिम से पूर्व की ओर होगा तो रूस को लाभ भी मिलना लाजमी है। साथ ही रशिया के पास अभूतपूर्व लैंड मास यानी कि क्षेत्रफल है और साथ ही विभिन्न धातुओं और खनिजों का प्रचुर भंडार भी। रूस सन 2050 तक 7.131 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की जीडीपी वाला देश बन जाएगा। नंबर 5 ब्राजील 7.540 ट्रिलियन यूएस डॉलर जीडीपी। इस ब्राजील देश में लगातार अंतरिम हिंसा इतनी भड़क चुकी थी कि रियो डी जेनेरियो का ओलंपिक खतरे में था। जिस ब्राजील में ड्रग लॉर्ड्स के साथ पुलिस सेल्फियां खिंचाती है वो ब्राजील बदलेगा और इस देश की अर्थव्यवस्था भी बदलेगी। सुनने में एकदम इम्पॉसिबल लगे लेकिन ये होगा और सन 2050 तक ब्राजील 7.540 ट्रिलियन यूएस डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया का पांचवा आर्थिक रूप से सबसे ताकतवर देश बनकर उभरेगा। नंबर 4 इंडोनेशिया 10.502 ट्रिलियन यूएस डॉलर जीडीपी। इंडोनेशिया एक इस्लामिक देश है जिसकी गिनती अभी कमतर देशों में की जाती है। अपनी मैन फोर्स अपनी पॉपुलेशन का दोहन बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहा है। इंडोनेशिया लोगों को लेकर एक कहावत है, ये लोग दूसरे की दौलत वेल्थ देखकर जलते हैं पर खाना बिना संकोच के साथ हर किसी से शेयर करके खाते हैं। मोस्टली युवा पॉपुलेशन और खनिज संसाधनों के साथ इंडोनेशिया अनएक्सपेक्टेडली 2050 तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी 10.502 ट्रिलियन यूएस डॉलर की जीडीपी के साथ। नंबर 3 संयुक्त राज्य अमेरिका 34.102 ट्रिलियन यूएस डॉलर। अपनी आर्थिक बादशाहत खो रहा है अमेरिका। कुछ लोगों का मानना है कि आज जो दुनिया की नंबर एक इकोनॉमी है वो पेपर पर भले ही अमेरिका, लेकिन यथार्थ में अमेरिका ऑलरेडी पहले पायदान से नीचे पहले दो गैस कर ले रहा है। अमेरिका का लगातार युद्ध पर फोकस करना के लिए दुनिया के दूसरे देशों के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के चक्कर में अमेरिका ने अपनी बहुत बड़ी क्षति करा ली। सही बोला है इसने। और साथ ही खुद अमेरिका का कल्चर ही फ्रॉम रूट्स जड़ से अमेरिकी सोसाइटी को जर्जर कर रहा है। पुराने अमेरिका और आज के अमेरिकी परिवारों में जमीन आसमान का फर्क है। एक ओर समाज टूट रहे हैं, दूसरी ओर अमेरिका के दुश्मन ताकतवर हो रहे हैं। फिर भी अपनी करंट पोजिशन, जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और बड़े बड़े खनिज रिसोर्सेज और संपदाओं के बल पर 2050 तक तो अमेरिका दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में अपना स्थान पक्का रखेगा। 2050 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था 34.102 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की जीडीपी से लैस होगी। अब आनी तो चाहिए नंबर 2 की बारी, पर यहाँ हम थोड़ा पॉज लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अपने भारतीय दर्शकों को कुछ महत्वपूर्ण बताएं, उन्हें जरा आईना दिखाएं, उन्हें खुद उन्हीं से मिलाएं। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी और रिलायबल अकाउंटिंग फर्म प्राइस वाटर्स हाउस कूपर ने प्रेडिक्शन कर दिया है, भविष्यवाणी कर दी है कि सन 2050 तक चीन दुनिया की नंबर 1 सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरेगा। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन ने ऑलरेडी अमेरिका को जीडीपी में पछाड़ दिया है और चीन दुनिया की सबसे बड़ी सेना का मालिक तो पहले से ही है। तो समझिए इस बात को कि सत्ता की शक्ति का विकेंद्रीकरण अपने आखिरी चरण में है। सत्ता यूरोप से एशिया आ रही है, शक्ति पश्चिम से पूर्व की तरफ आ रही है, वेस्ट से ईस्ट की ओर आ रही है। हम तैयार हो ना हो लेकिन हमारा पड़ोसी तैयार हो चुका है विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरने के लिए। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के अनुसार 2050 तक चीन की अर्थव्यवस्था उसकी जीडीपी 58.499 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की हो जाएगी। तीसरे पायदान पर पड़े अमेरिका के 34.1 ट्रिलियन से लगभग 1.5 गुना ज्यादा। चांस ही नहीं कि अमेरिका अगली 2 सदी तक चीन को छू भी पाए। पर दोस्तों, एक देश है जो चीन को एक ही दांव में पीछे छोड़ सकता है। ये बात है क्योंकि MBBS, IITs, MBAs के लिए साल ड्रॉप करना बंद कर। मुझे लगता है कोई दिक्कत, लेकिन साल पहले ड्रॉप करें जब उनके जीवन का एक ही उद्देश्य हो इन डिग्रीज को प्राप्त करना और वो काबिल भी हो उसके, तो ड्रॉप मत लीजिए। देश के युवा से निवेदन है कि खाली नहीं बैठिए, जो मिले सही वो सही बोले। इस तरह चाइनीज ने किया था, दिन
मंजिल मिलेगी आपको। हमने देखा है कई मेधावी छात्रों को, टैलेंटेड कंधों को इन सरकारी नौकरियों और डिग्रीज न मिलने के चक्कर में डिप्रेशन में जाते हुए अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए। यकीन मानिए दोस्तों, कोई रोजगार बड़ा छोटा नहीं होता। हर एक काम जो हम अपने आप को, अपने घर वालों को पालने के लिए करते हैं, उससे देश का भी भला होता है। जो सामान हम खरीदते हैं उसमें जो टैक्स निहित होता है वही तो जीडीपी बनाता है। टैक्स ही बनाता है। जो टैक्स हम भरते हैं वही तो देश को आर्थिक रूप से मजबूत करता है, इसमें कोई शक नहीं। जो काम हम करते हैं, जो रोजगार हम करते हैं, उससे देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और याद रखिए, हम दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं। अगर हम सबने एकजुट होकर सिर्फ मेहनत ढंग से की, रोजगार पाया नहीं अर्जित किया, अपने रास्ते खुद डेवलप किए, तो चीन की ये जो जीडीपी है 58.499 trillion US dollars की, वो भारत के सामने कुछ भी नहीं होगी। क्योंकि प्राइस वाटर्स हाउस कूपर्स के अनुसार 2050 तक भारत की अर्थव्यवस्था 44.128 trillion US dollars की, चीन से सिर्फ 14 trillion US dollars का, अमेरिका से तो बहुत आगे। तो रोजगार जो भी हो करिए, इसे छोटा या बड़ा ना समझिए। और भाई हमारे वीडियोस को लाजमी लाइक कमेंट शेयर करना। मतलब दूसरे नंबर पे वजाहत होगा इंडिया। मतलब 14 trillion जो पीछे कम रहे, मतलब वजाहत इतने थोड़े से टाइम में इंडिया मतलब काफी ऊपर चला जाएगा। और थर्ड नंबर पे अमेरिका ने तो आना ही था। और मैंने मतलब मैं जब भी इस तरह की वीडियो देखता हूँ, मैं एक ही बात करता हूँ कि मतलब आगे जो फ्यूचर का मुकाबला होने लगा है वो राइवल्स होंगे इंडिया चाइना और इंडिया, इन्हीं के दरमियान होगा मुकाबला। उन्हीं के इतिहास से मतलब जो अब कौन बनता है वो ये बताएं। और अभी अगर जो आज का दौर चल रहा है, इस तरह बता रहे जो लोग काम कर रहे हैं उस तरह से इन लोगों ने बताया। अभी जो वेले बैठे हुए, अगर वो भी काम शाम शुरू कर दें तो वो भी टैक्स वगैरह पे करेंगे, सब कुछ होगा, वो देश और आगे। और 2025 तक का टारगेट है इंडिया का 5 trillion का होना, तो 2025 तक ये तो हो जाएगी। लेकिन आगे से बहुत लंबा बूस्ट मारेंगे 44 trillion। पहले आते हैं मतलब उस जगह से, 10वें नंबर पे यूके होगा, फिर वो होगा मतलब मैक्सिको, नहीं वो मैक्सिको 7वें पे था, जापान 8वें पे था, मैक्सिको जर्मनी 9वें पे था, अच्छा इस तरह ब्राजील था, फिर इंडोनेशिया, फिर अमेरिका। यार कहाँ पे गया, बहुत पीछे इंडिया से होगा। मतलब इंडिया की 44 और उसकी 30। यार अमेरिका ने पंगे बहुत लिए, अपनी इकोनॉमी गिरा रहा है क्या, इधर उधर पंगे वर्ल्ड में ले रहा है। हाँ। तो यही तो मतलब अभी चाइना उसको काट देगा, लेकिन सब फर्स्ट नंबर पे होगा। लेकिन वो फिर कह रहे थे मतलब प्रोजेक्शन जो दिखाई गई है उससे सेकंड पे इंडिया में होगा 2050 तक, और फर्स्ट पे जो होगी वो कंट्री वो होगी कौन सी वाली वजह, चाइना। मुझे लगता है कि 2060 तक चाइना के पास लग जाएगा, मतलब बराबर, और 70 या 2080 में चाइना को इजीली क्रॉस कर जाएगा। जो हमारा आइडिया कहता है मतलब, तो आप आपका आइडिया क्या कहता है उसके बारे में वो हमें बताएं। और यार मतलब इंडिया का फ्यूचर जो है वो ब्राइट है, बहुत ब्राइट है यार। जिस तरह की प्रोजेक्शन, जिस तरह की तरक्की इंडिया में हो रही है, इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं यार, अपने राय लाजमी में कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं अपना, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।